हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल सर, माय टीचर फ्रॉम सिनेमा एकेडमी हाई स्कूल सतना। एंड टुडेस टॉपिक डेसिमल्स एक्सरसाइज 8.3। सर नंबर हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है व्हिच इज ग्रेटर, मतलब कौन से नंबर इसमें से ग्रेटेस्ट है। तो फर्स्ट नंबर में देख लीजिए, आपको बताया ग्रेटेस्ट की बात, मतलब एक दूसरे में कंपेयरिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको बता रहे हैं 0.3 और 0.4 में ग्रेटेस्ट कौन सा। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आपको इजी हो जाएगा। लाइट डेसिमल, सबसे पहले आप उसको, अगर आपसे डैक बन रहा है तो उसको आप डैक भी सॉल्व करके बता सकते हैं। बट अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कौन से नंबर स्मॉलेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, डेसिमल वाले नंबर, तो उनको आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको बता सकते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट नंबर, अब लाइक डेसिमल के लिए आप क्या करेंगे, आपको मैंने बताया नहीं था इससे पहले भी, लाइक डेसिमल में डेसिमल के बाद के जो प्लेस होते हैं वो सेम लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, और ये दोनों क्या है आपस में लाइक है, लाइक डेसिमल है। तो आपको पता है कि 0.3 और 0.4 में कौन सा ग्रेटेस्ट है, क्योंकि 4 क्या है ग्रेटेस्ट आप बता सकते हैं, क्योंकि 0.3 और 0.4 में 4 ग्रेटेस्ट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.4 इज ग्रेटर देन। इजी है, आप इसको बता सकते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। मैंने जैसे यहाँ पे ये बताया था आपको 0.3 और 0.4 बताना है कौन सा ग्रेटेस्ट है, तो बता दिया 0.4 इज ग्रेटर देन किससे ग्रेटेस्ट है, 0.3 से ग्रेटेस्ट है। यहाँ से अब बी नंबर में देखिए, आपको बताना है 0.07 और 0.02। अब आप देखिए बता सकते हैं दो, पहले आप चेक कर लीजिए लाइक डेसिमल, डेसिमल के बाद की अगर आप प्लेस की बात करेंगे, डेसिमल के यहाँ पे 1 एंड 10 टू डिजिट है, 10 एंड 100, मतलब डेसिमल के बाद ये नंबर को हम 10 काउंट करते हैं, इसको हम काउंट करते हैं 100। डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट है और डेसिमल के आफ्टर यहाँ पे भी क्या है 2 डिजिट। इसको आप कंपेरिंग करके और सब आप वहाँ पे साइन कर दीजिए, ये आप देख के बता दीजिए कि 7 और 2 में कौन सा ग्रेटेस्ट होता है। तो 7 ग्रेटेस्ट है, हम यहाँ पे क्या बताएंगे सॉल्विंग 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02, मतलब 0.7 क्या है ग्रेटेस्ट है, देन किससे ग्रेटेस्ट है 0.02। नेक्स्ट देखिए, मैं सी नंबर नहीं बता रहा हूँ, सी नंबर बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं उसमें से कौन सी ग्रेटेस्ट है। हम आते हैं 0.5 और 0.05 में, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि लाइक डेसिमल में है कन्वर्टेड ये, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो आप दोनों में डेसिमल की बात के लिए से सेम कर लीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, जीरो पॉइंट फाइव और 0.05, इसको हम चेंज कर देंगे, इसमें लाइक डेसिमल में चेंज इनटू लाइक डेसिमल, तो सेम कर लीजिए 0.05। अब मैं यहाँ पे डेसिमल के बाद अपने सिरे ले लिया और 0.0 क्या है 0.5, अब देख के बता देते हैं 0.5 जो होता है 0.50 और 0.05 है, तो दोनों में कौन सा ग्रेटेस्ट है, 50 ग्रेटेस्ट होगा। बट हम डेसिमल के बाद नंबर्स को रीड कैसे करते हैं, वन बड़े डिजिट में 0.00 रीड हम ऐसे करेंगे, बट आपको एक्सप्लेन करने में बोल रहा हूँ कि 50 और 5 में कौन सा ग्रेटेस्ट होता है, तो 50 होगा, तो हम राइट कर देते हैं यहाँ पे। सो 0.50 इज ग्रेटर देन 0.05 क्या है देन इससे 0.05। ई नंबर में देख लीजिए, इनको भी आप पहले क्या करेंगे लाइक डिसमेंट कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे डिसमेंट के बाद 1 डिजिट है, सॉरी 2 डिजिट है, और यहाँ पे डिसमेंट के ऑप्शन क्या है 1 डिजिट, तो अगर इसको लाइक डिसमेंट कन्वर्ट, अब मैं ये नहीं लिखूंगा चेंज इनटू लाइक डिसमेंट, आपको मैं बता दे रहा हूँ, तो मैं लाइक डिसमेंट पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ 1.23 और या फिर 1.2, अब इसको हम चेंज इनटू करेंगे लाइक डिसमेंट में, तो चेंज इनटू लाइक डिसमेंट,
यहाँ पे 0.23 और सॉरी 1.23 और 1.20 डेसिमल के बाद हमने 0 अपने इसके लिए। अब आप बता सकते हैं यहाँ पे 1 1 ये तो इक्वल है बट ये 2 3 है मतलब 23 और ये 2 0 मतलब 20 तो दोनों में से कौन से रेट होते हैं 23 रेट होगा। बट हम रेट कैसे करेंगे 1.23 तो 1.23 क्या है ग्रेटेस्ट होगा मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे हैंस 1.23 इज ग्रेटर देन 1.20। नेक्स्ट जी नंबर देख लीजिए जी नंबर आपको सिंपलीफाई मतलब कैसे आप बताएंगे कि ग्रेटेस्ट कैसे है ये भी इजी है जैसे मैंने भी आपको अभी तक बताया यहाँ पे डेसिमल की बात 1 डिजिट और यहाँ डेसिमल की बात 2 डिजिट तो पहले आप इसको लाइव डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे चेंज कर देते हैं चेंज इनटू लाइक डेसिमल चेंज इनटू लाइक डेसिमल में आप करेंगे तो क्या आएगा 1.50 तो यहाँ पे देखिए मैं राइट कर देता हूँ 1.50 और 1.50। अब इसको अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको ये दोनों जो वैल्यू दिख रही हैं इक्वल दिख रही है तो जब ये आपकी और जो वैल्यू इक्वल है तो आप कैसे बताएंगे लेस देन मोर देन पर बताएं सर हम यहाँ पे क्या बताएंगे वो आर सेम दोनों क्या है सेम है ये आंसर हो गया। तो आपके इस एक्सरसाइज में पॉइंट में कुछ आपको इक्वल मिले बताने के लिए वही चीज़ हमने यहाँ पर बताया है। अब जे नंबर में हमको करना है देख लीजिए यहाँ पे डेसिमल की बात 2 डिजिट है यहाँ डेसिमल की बात 3 डिजिट तो पहले आपको ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ सॉल्व चेंज इनटू लाइक डेसिमल चेंज इनटू लाइक डेसिमल 5.640 मैं दे रहा हूँ और 5.60 की अब इसको आप बता सकते हैं कि दोनों में एक ग्रेटेस्ट कौन सा है 604 है या फिर 603 है 5.1 है ये अगर हमको कंपेयरिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 604 ग्रेटेस्ट है सॉरी 640 ग्रेटेस्ट है 640 तो इसको राइट क्या करेंगे 5.640 इज ग्रेटर देन 5.603 एक्सरसाइज का 8.3 ये बहुत इजी है अगर इस आप लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल से भी कर रहे हैं या फिर आप विदाउट लाइक एंड अनलाइक डेसिमल का यूज भी कर रहे हैं डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर रहे हैं फिर भी आपके लिए क्या ये राइट तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके बुक में जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कंप्लीट करते हो जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आपको करना है जैसा अगर आपने देख लिया और अच्छी तरह क्वेश्चन में आ गया तो आप रिमेनिंग लेके सॉल्व करके बता सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें आपको अपने से एग्जांपल लेना है आपके बुक में दिया है आपको 10 लेना है 15 लेना है नहीं दिया है तो अपने से 10-15 आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और आप उनमें से ग्रेटेस्ट बता सकते हैं कौन से नंबर ग्रेटेस्ट हैं कुछ भी आप ले लीजिए अपने बुक में जो दिया हुआ है वही आप नंबर ले लीजिए या फिर आप अपने से नंबर ले लीजिए और उनको आप कंपेयरिंग करके बता दीजिए कि वो वैल्यू इक्वल है या इक्वल नहीं है। इस टाइप क्वेश्चन आपको क्या करना है सॉल्व करना है। ओके थैंक यू स्टूडेंट।